यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला पंचायतों को जो धनराशि शासन से मुहैया कराई जाती है काम के लिए, उनका बहुत सीधा संपर्क शासन से नहीं हो पाता है कि किस तरह से काम हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो एक तरह से आज आपके मार्गदर्शन में एक इनको मेनस्ट्रीमिंग करने की भी बात है, और जो जिला पंचायतों को पैसा मिल रहा है उससे एक ठोस काम हो, जनता को दिखे और क्वालिटी के साथ हो, और ग्राम पंचायतों के काम से ओवरलैप ना हो, इसलिए ये एक योजना बनाकर लागू की जा रही है। सर, इस अवसर पे इस काम के बारे में और जिला पंचायत के फंक्शनिंग के बारे में जिला पंचायत अध्यक्षगण का क्या विचार है, ये जानने के लिए हमने 5 जनपदों को आइडेंटिफाई किया। सर, आपकी अनुमति से सर मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा शाहजहांपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष से कि वो अपनी बात कहना चाहें। शाहजहांपुर नमस्ते, शाहजहांपुर से नमस्ते। कैसे चल रहा है आपके जिला पंचायत का कार्य, कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा साहब, आपका आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है कार्य। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आखिरी समय में आपने जो हार्ट लिस्ट का जो योजना बना के प्रदेश में लागू करी है, उससे वाकई में नई पहचान मिलेगी। लंबे समय तक एक सड़क चलेगी और बहुत अच्छी सड़कें हैं, जैसे स्टेट हाईवे की सड़कें हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी वो सड़कें जाएंगी। बहुत अच्छी योजना है। कितनी सड़कें हमने बनाई हैं, इससे कितनी सड़कें आपकी कवर हो रही हैं? हमने 56 सड़कें इस बार ली हैं। 31 किलोमीटर का टारगेट मिला, हमने 35 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है इस बार। ठीक है, 14.87 लाख की सड़कें बनाएंगे। ठीक है, 14.87 करोड़ की। ठीक है, चलिए अच्छा है, एक अच्छा प्रयास है आप लोगों का। देखिए, कार्य की गुणवत्ता पर जितना आप लोग ध्यान देंगे, पंचायती व्यवस्था के प्रति जनता का उतना बड़ा विश्वास जागृत होगा। अक्सर होता क्या था कि कुछ जगह, कभी कभी तो जिला पंचायतें केवल जगह जगह छोटे छोटे पुलिया के नाम पर ही सारा पैसा खर्च कर देती थी, सड़कों के नाम पर पैसा खर्च ही नहीं हो पाता था। इससे जिला पंचायत के सदस्यों को भी ये कहने के लिए हो जाएगा कि हम भी अच्छी सड़कें दे सकते हैं, और आप बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आपने शाहजहांपुर में भी इस विकास की प्रक्रिया में भाग लिया है, आपको और आपकी पूरी टीम को, जितने भी जिला पंचायत के सदस्यगण हैं उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ। निवेदन करना चाह रहे थे। हाँ बताएं जी। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत की सड़कें हैं, वहाँ पे हार्ट लिंक सड़क बनाने में थोड़ी सी मशीन जाने में परेशानी होती है, चौड़ाई कम है, तो ये चाहते थे सर आपके आशीर्वाद मिल जाता तो उसमें जो टारगेट है वो दोनों को मिल जाता कि हम परसेंटेज ग्रामीण जो सड़कें हैं वो ले सकें। हाँ, इसको देखना चाहिए, इसमें इसको चेक करना चाहिए। अच्छा है, अपना प्रस्ताव भेजे। इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज से। प्रयागराज प्राप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020 के कुल आवंटित धनराशि का लगभग
30% अनुदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब शासन की मंशा को दृष्ट रखते हुए जिला पंचायत प्रयागराज द्वारा 59 किलोमीटर के सापेक्ष 37 किलोमीटर जो पीसी संपर्क मार्ग हार्ट ब्रिज द्वारा निर्माण कराए जा रहे हैं तो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पावर हार्ट ब्रिज प्लांट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों का निर्माण कराए जाने का निर्णय एक सराहनीय कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुक्रम में 15वें वित्त आयोग तथा 5वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अब तक प्राप्त धनराशि से 25 कार्यो की इन योजना की भी आवृत्ति जा चुकी है। संदर्भित कार्यों को एक माह में निर्धारित दृष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया जाना हमारी प्राथमिकता है और हमें इस निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास कराएं हमारी चाहती हूँ कि पूर्ण कराऊंगी मैं। हाँ भाई बताइए रेखा जी, एक बात बताइए, आपके यहाँ की पूरी कार्य योजना सड़क निर्माण की सब बन चुकी है? आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं बन चुके, मैं एक बात रखना चाहती हूँ आपके सामने। हाँ बताइए। अभी तक जो जिला पंचायत को लोग भ्रष्टाचार का अड्डा मानते थे, हाँ, आपके मार्गदर्शन में जिला पंचायत को भी लोग अच्छी विकास रखने लगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे जिला पंचायत तरफ से। देखिए अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो जनता का भी विश्वास होगा और पंचायती राज संस्था मजबूत होगी। हाँ जरूर जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जो अधिकार अभी तक मिले हैं पहले इस अधिकार का सदुपयोग आप कर लेंगे तो बाकी अन्य अधिकार भी मिल जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको भी और आपकी पूरी टीम को। अगला श्रृंखला में है सीतापुर, जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते जी। महाराज जी सबसे पहले आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग आपके मदद से जिला पंचायतों को हार्ट सड़के बनाने का जो अवसर मिला है इससे हमारे जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत ही लाभ मिलेगा। अभी तक ये सड़के सिर्फ पीडब्ल्यूडी ही बनाती थी, ग्रामीण अंचल में सड़कें बनेंगी तो ग्रामीणों को बहुत लाभ मिलेगा और शासन पैसों का बहुत अच्छा उपयोग हो सकेगा। देखिए सड़कें टिकाऊ भी होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का विश्वास जिला पंचायतों पर होगा। आपको याद करिए कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण की और विद्यालयों की व्यवस्था का दायित्व भी जिला पंचायतें ही निभाती थी, बाद में धीरे धीरे करके ये पावर अलग अलग बढ़ती गई क्योंकि जब ये लगा कि संस्थाएं ठीक ढंग से व्यवस्था का संचालन नहीं कर पा रही हैं तो उस समय की सरकारों को फिर कुछ अलग निर्णय लेने पड़े थे, लेकिन ये एक प्रयास है और मुझे लगता है कि इस प्रयास में और भी बेहतर आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों का कार्यकाल जनवरी तक है, जनवरी 14-15 जनवरी तक होगा तो उस समय तक अच्छा कार्य करके दिखा देंगे तो फिर एक नया अवसर जनता हो सकता है आप लोगों को दे सके, इसके बारे में प्रयास करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन एक प्रयास के लिए जो कार्य अच्छा प्रारंभ किया है मैं आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि जिला पंचायत भी हॉट मिक्स प्लांट के माध्यम से अच्छी सड़कें दे सकें, अच्छा कार्य कर सकें, जनता जिन कार्यों को महसूस कर सके इस प्रकार के कार्यों को कर रही है, ये अच्छी शुरुआत है। अगला इस श्रृंखला में है शामली, जिला पंचायत अध्यक्ष शामली। माननीय मंत्री जी सादर प्रणाम। नमस्ते, कैसे हैं आप? संतोष जी ठीक हैं आप? हाँ जी आशीर्वाद है मंत्री जी आपका।
आप ये बताइए कि कितनी सड़कें बना रही हैं आप? हाँ जी, हमारी जो सड़कें हैं, पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हाँ, क्योंकि जिला पंचायत के द्वारा ये पहली बार कोर्ट मिक्स में जो प्लांट का कार्य है वो सड़कों का, आपका जो निर्णय है बहुत ही स्वागत योग्य पहल है। मुख्यमंत्री जी पहले जब ये काम राष्ट्रीय राज्यमार्ग व राज्य मार्ग का ही होता था, लेकिन अब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम जाएगा और ग्रामीण गुणवत्ता भी इसमें बढ़ेगी, सड़कों की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि बताया जाता है कि जब विकास का जो साधन है वो हमारी सड़कें होती हैं। और ये आपने जो पहल की है ये बहुत ही तो जिला पंचायत में आप लोग स्वयं जाने बैठने के लिए जाती भी हैं या परिवार के लोग बैठते हैं? और आज आपके कर कमलों से जो जिला पंचायत का जो हमारा ये कार्य है 5,578.35 लाख की लागत से 13.33 किलोमीटर की लंबाई की जो सड़कें हैं, 10 सड़कें हमारी जो पास हुई हैं वो शिलान्यास आज हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ये कार्य जो आपने कराया है ये आप युद्ध की स्तर पर पूरा कार्य अति शीघ्र कराएंगे। और इन कार्यों को कराने के लिए जो 15वें वित्त आयोग से जो दिया जा रहा है वो है 227.90 लाख, और पंचम वित्त राज्य वित्त से 350.45 लाख रुपए का वह होगा। और आपके जो कुशल मार्मी जो हमारा जिला है वो निरंतर प्रगति कर रहा है, क्योंकि जिले को बने हुए पूरे 9 साल हो चुके हैं और इन 9 साल में हमें जो कार्यालय अभी तक मिला नहीं था, लेकिन सिर्फ आपके आशीर्वाद से ये कार्यालय अब संभव हो पाया है, हमें स्वीकृति मिली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर भी पूरा काम चल रहा है, क्योंकि ये आपका ही आशीर्वाद है और आपका ही परिणाम है कि हम इस योग्य हो गए पाए। 9 साल में हमें ये कार्यालय मिला है और इसको भी हम बहुत जल्दी पूरा कराएंगे। अच्छे ढंग से कार्य करिए, अगले 1.5-2 महीने अंदर कार्य पद्धति को ऐसा करके दिखा दें सभी लोग कि जनता फिर से आप लोगों के चयन के बारे में फिर से एक मन बना सके। और मुझे लगता है ये 1.5-2 महीना जो आपके सामने समय है, इस समय का बेहतर उपयोग करिए आप लोग। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। अंत में जनपद खीरी है सर, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमन से खीरी महाराज जी, आपके चरणों में सादर नमस्कार जी। नमस्ते, आपके लखीमपुर खीरी तो बहुत बड़ा जिला है जी, तो आप लोगों ने कितनी सड़कें ली हैं इसमें? 48 सड़कें जी। 48 सड़कें कितने किलोमीटर की हैं ये? 52 किलोमीटर। तो ये सब बन जाएंगी? जी बिल्कुल बन जाएंगी, आपकी कृपा रहेगी सब बन जाएंगी। समय पे सभी को बना लेंगे? बिल्कुल बन जाएंगे सब। ठीक है, बहुत अच्छा, एक अच्छा कार्य कर रही हैं, क्योंकि काफी बड़ा जनपद है भौगोलिक दृष्टि से जो है लखीमपुर खीरी, तो काफी बड़ा जनपद है प्रदेश का, लगभग मुझे लगता है कि पहला या दूसरे नंबर का जनपद है। और इतने बड़े जनपद में फैले हुए गांवों पर कनेक्टिविटी की व्यवस्था एक बहुत बड़ा कार्य है ये, और जिला पंचायत अगर इन कार्यों को करता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ जिला पंचायत से जुड़े हुए लोगों को और पंचायती संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को प्राप्त होगा। मैं आपको, सुमन जी आपको और आपके जिला पंचायत के सभी सदस्यों को और सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अच्छी शुरुआत की है, अच्छे कार्य की शुरुआत की है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज के जो कार्य है उनका शिलान्यास और शुभारंभ करने का खर्च करें। आओ जी, आप लोग भी आइए। एक आदमी इधर आ जाओ, भूपेन जी इधर अब आए।
हो गया ना एक साथ सबका। चलिए बाकी सर ये हम लोगों के प्रदेश में 75 जनपदों में 45 जिलों में जो अध्यक्ष है सर वो महिला प्रतिनिधि है, ये बहुत बड़ी बात है सर। इस अवसर पे मैं अब अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आशीर्वचन के। माननीय मुख्यमंत्री जिला पंचायतों के द्वारा निर्मित की जाने वाली सड़कों के शिलान्यास और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों के रिन्यूअल कार्यों के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के ग्राम्य विकास के मंत्री माननीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह जी, पंचायती राज के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री पंचायती राज सुपेंद्र तिवारी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री कार्यालय समेत ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, जिला पंचायत के सभी अध्यक्षगण, माननीय सांसद और विधायकगण, जिला पंचायत के सभी सदस्यगण और उपस्थित पंचायती राज विभाग व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारीगण, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा भी और पंचायती राज विभाग के द्वारा भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार ग्रामीण सड़कों के निर्माण के एक बड़े कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाया गया है। इसमें भी हमारे लिए महत्वपूर्ण इस बात का है कि 75 जनपदों में से 45 जनपदों में महिला जिला पंचायत की अध्यक्ष कार्य कर रही हैं और विकास के बारे में उनके पास अपना एक अनुभव भी है, एक जिज्ञासा भी है। पंचायती राज जिला पंचायतों के माध्यम से सड़कों के नवनिर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और जैसा कि मुझे बताया गया कि 2000 किलोमीटर के 1825 मार्गों के नवनिर्माण के लिए 647 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों के निर्माण कार्य का एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शुभारंभ हो रहा है, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हम सब जानते हैं कि यह योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ की थी और अपने समय में बहुत लोकप्रिय योजना यह बनी थी, क्योंकि पहली बार आजाद भारत के अंदर देश 1947 में आजाद हुआ था और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन 2001 में ये योजना लागू हो पाई थी, यानी आजादी के 5 दशक तक भारत की ग्रामीण व्यवस्था उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी जो
विकास की प्रक्रिया के सबसे बड़े और सशक्त माध्यम होते हैं अच्छी सड़कें। तब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने अनेक चरण संपन्न किए हैं और लगभग ज्यादातर ग्राम पंचायतें 500 की आबादी के ज्यादातर गांव मजरे सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। अब उससे भी नीचे के छोटे छोटे मजरे और टोलों को लेने की व्यवस्था इसके साथ जोड़ी गई। एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला पंचायत की कार्य पद्धति में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। जिला पंचायतों के अक्सर कार्य वहां की स्थानीय परिस्थिति भी हो सकती है, लेकिन अक्सर जिस ध्येय के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था को लागू किया गया था, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास के लिए जितना पैसा इन संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कार्य किया, उस धनराशि का सही सदुपयोग अगर सभी पंचायती राज की संस्थाएं करने लग जाएं, तो मुझे लगता है विकास और रोजगार की व्यापक संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। हर गांव में बेहतर कनेक्टिविटी दी जा सकती है, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था दी जा सकती है, वहां पर गांव में जितनी धनराशि ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को और जिला पंचायत को मिलती है और ये आपस में मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से इनकी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन का भी बेहतर कार्य हो सकता है। गांव में हम स्वच्छता की स्थिति के माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं और हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव में प्रत्येक ग्राम पंचायत यानी ग्राम सचिवालय के माध्यम से न केवल गांव के सामान्य नागरिक की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं बल्कि गांव के अंदर ही ग्रामीण सचिवालय के माध्यम से हम लोग जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंकिंग की सुविधा यानी बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट के माध्यम से सुविधा को वहां पर देने का कार्य कर सकते हैं। बिजली का बिल जमा करने की सुविधा हम गांव के लोगों को वहां पर उपलब्ध करा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जितने कार्य होंगे इसमें उतने ही नौजवानों को और महिलाओं को रोजगार भी सृजन हो सकता है। ग्रामीण आजीविका मिशन कितना बड़ा कार्य कर रहा है, मैं तो जब उनके कार्यों को देखता हूं और सचमुच बहुत अच्छा काम कर रही हैं ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा। मैं पिछले दिनों जब झांसी में गया था, विगत वर्ष बेलोनी जो मिल्क से जुड़ी हुई एक समिति है उसने कितना अच्छा वहां पे काम किया। ऐसे ही हर गांव में संभावना है, हर जनपद में संभावना है। हमारे यहां कहा गया है ना कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, यानी योजक की भूमिका में अगर हमारी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आ जाए तो कोई भी गांव और हमारा ग्रामीण क्षेत्र कहीं भी कोई नौजवान अपने को बेरोजगार नहीं मान सकता, कोई महिला अपने को बेरोजगार नहीं मान सकती, आर्थिक स्वावलंबन का एक नया आदर्श आप प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को भी आप साकार कर सकते हैं और मुझे लगता है उसकी शुरुआत का एक अच्छा प्रयास है ये जो आज जिला पंचायत एक साथ लगभग 700 करोड़ रुपए की इन सभी सड़कों के निर्माण के लिए हॉट मिक्स प्लांट की सुविधा के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। याद रखना महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि कितने गांवों में आपने कुछ ना कुछ दे दिया, अब तो गांव में हर गांव में पैसा आ गया है, हर ग्रामीण क्षेत्र में पैसा आ गया है,
कुछ कार्य ऐसा करिए जो वास्तव में जिसको आप कह सकें कि ये मेरे कार्यकाल का कार्य है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के पास पैसा है, गांव के अंदर की कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। ग्राम पंचायत अपने इस कार्य को संपन्न वहां पर करें, चाहे वह गांव के अंदर में इंटरलॉकिंग का हो, गांव के अंदर की सीसी कार्य का हो, गांव के अंदर वाटर लॉकिंग की समस्या का समाधान का हो, गांव के अंदर कूड़ा प्रबंधन के कार्य का हो, गांव के अंदर कूड़ा प्रबंधन के लिए अगर खाद का गड्ढा गांव पंचायत के द्वारा बना दिया जाए तो कहीं भी कोई समस्या नहीं पैदा होने वाली है। लेकिन यह सोच हमें विकसित करनी पड़ेगी, हमारा गांव साफ सुथरा है यह अपने आप में एक पहचान होती है, हमारा क्षेत्र पंचायत बेहतरीन तरीके से अपनी कार्य पद्धति को आगे बढ़ा रहा है, हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी जिला पंचायतें न केवल पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती के लिए कार्य कर रहा है, बल्कि पंचायती व्यवस्थाएं, चाहे ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ये केवल सरकार के पैसे पर ही निर्भर न रहे बल्कि अपनी स्वयं की आय कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी अगर चिंता कर सकेंगी तो पंचायतें अगर हमारी स्वावलंबी बनेंगी तो हर गांव का व्यक्ति स्वावलंबी बनने की ओर दिशा उस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकता है। ग्राम पंचायत के पास गांव में जमीन है, क्षेत्र पंचायत के पास भी अपने अपने क्षेत्र पंचायतों के पास लैंड है, जिला पंचायतों के पास भी बहुत सारी जगह लैंड है, और गांव के हार्ड तो जिला पंचायतों के द्वारा ही संचालित होते थे। इसको इनकम के साथ जोड़ने का कार्य हो सकता था, मंडी के साथ मिलकर के, मंडी समिति के साथ मिलकर के आप उसको ग्रामीण हाट को रूप में विकसित करके, एक औपचारिकता निर्वहन के लिए नहीं होना चाहिए। होता क्या है, हम सिफारिश पे सारा कार्य करने का प्रयास करते हैं, इनकम बढ़ाने का कार्य नहीं करते। जब पैसा आएगा नहीं और एक तरफा जाने की व्यवस्था रहेगी तो आपके पास हाथ बन जाएंगे, आपके भी कोई उधार भी नहीं देगा। और इसलिए अगर हमें पंचायतों को स्वावलंबी बनाना है, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, इनकी इनकम को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। मुझे एक राज्य के एक ग्राम प्रधान मुझे मिले, सरपंच मिले, उस गांव में सरपंच की व्यवस्था उस प्रदेश में, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई आपके गांव में कितना, आपके पंचायत को कितना पैसा मिलता है साल में? उन्होंने कहा मैं पैसे की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा देखिए हमारा गांव एक हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी ग्राम पंचायत की जितनी भूमि थी उस भूमि को हमने किसी को कब्जा नहीं करने दिया, गांव के तालाब को गंदा नहीं होने दिया, और हम हर वर्ष हमारे ग्राम पंचायत को लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए केवल तालाब से, और जो लैंड है उस लैंड का हमने कॉमर्शियल उपयोग किया, इससे ग्राम पंचायत को मिलता है। हम उसी पैसे का उपयोग करते हैं, गांव में कार्य भी करते हैं, और इस पैसे का उपयोग हम गांव में गरीबों की सहायता करने में भी करते हैं। मैंने कहा कैसे सहयोग आप करते हैं? उन्होंने कहा किसी कन्या की शादी भी, परिवार गरीब है, एक आर्थिक राशि ग्राम पंचायत की तरफ से हम उनको देते हैं। कोई बीमार हो गया, उसके पास कोई सुविधा नहीं, तो हम उसको एक निश्चित राशि सहयोग के लिए दे देते हैं। गांव में कोई व्यक्ति, निराश्रित व्यक्ति मर गया, हम उसको सहयोग कर देते हैं। यानी ये कल्पना एक गांव कर रहा है, ये भी भारत का ही गांव है। मैंने कहा आपने गांव में क्या क्या काम किया? उसने कहा हमारे गांव में पूरा गांव इंटरलॉक है, इंटरलॉकिंग से जुड़ा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम है, एक भी बूंद कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो सकता, पेयजल हमने घर घर पहुंचाया है, स्वच्छता एकदम साफ सुथरा है, कूड़ा प्रबंधन का कार्य हमने कर रखा है, अलग अलग जगह हर व्यक्ति पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करेगा। हमारे यहां सफाई कर्मी की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन गांव पूरा अपने कार्य को संपन्न करता है, और गांव अपने सारे कार्यों के लिए हम लोगों ने जगह पहले से आरक्षित कर रखी है, कहां रामलीला होनी है, कहां होलिका दहन होना है, कहां शमशान घाट बन है, कहां पर कब्रिस्तान बनना है,
कहां गौचर भूमि सुरक्षित होनी है, कहां गाय गौचारण की व्यवस्था होनी है, कहां पर खेल का मैदान बनना है, कहां पे क्या क्या चीजें गांव में हमने व्यवस्थित रूप से करके रखा है। और हमारा ग्राम पंचायत एक आत्मनिर्भर गांव है। हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम अपने गांव में लगाया है। सुबह शाम एक एक घंटे के लिए हम लोग भजन उसमें बजाते हैं, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज है, इतनी कर्कश नहीं होती कि व्यक्ति और काम न कर सके। अपने सामान्य कार्यों को करते हुए भी हमारे ये कार्य वहां पे संचालित हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या हमारे ग्राम पंचायत में नहीं है। हाँ, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पंचायत में कोई बैठक होती है, इमरजेंसी बैठक हो, उसके माध्यम से गांव को कोई सूचना देनी हो, उसका उपयोग हम लोग अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उसका उपयोग कर लेते हैं। मुझे लगता है ये कार्य हर पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट जलाई गई है, स्ट्रीट लाइट को हमने मीटर से जोड़ा है। हम पावर कारपोरेशन को हर महीने उसका बिल का भुगतान भी करते हैं। हमारे गांव की बिजली कभी नहीं जलती, कभी नहीं कटती है, निरंतर जलती है। सायकाल स्वयं जलाने की व्यवस्था ऑन करने और प्रातः सूर्योदय के पहले उसको ऑफ करने की व्यवस्था कर दी जाती है। गांव में एलईडी लाइट लगी हुई है, यानी एक आदर्श गांव की जो परिकल्पना है उसको देश के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायतें पूरा कर रही हैं। और मुझे लगता है यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें कर रही होंगी, लेकिन अभी तक हम हाईलाइट नहीं कर पाए, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। कौन कौन से ऐसी आदर्श ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों को, कौन से ऐसी आदर्श क्षेत्र पंचायतें हैं जिन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ उपक्रम किए हों, कुछ नए प्रयोग किए हों, उनको सम्मान देने की प्रक्रिया, कौन जिला पंचायत है जिन्होंने कुछ स्पेशल कार्य किया हो जिसको एक मॉडल के रूप में रखा जा सकता। अगर पंचायतें ही आत्मनिर्भर नहीं होंगी तो फिर हम प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल खंड में देश को कुछ मंत्र दिए हैं आत्मनिर्भर भारत के। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होती है हमारी पंचायत राज व्यवस्था से। हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो देश आत्मनिर्भर होगा। हम इसके लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। आपके गांव में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो ये कार्यक्रम हमारा प्रदेश का है, किसी न किसी गांव से ही निकलता होगा। गोरखपुर का टेराकोटा गोरखपुर के औरंगाबाद गांव से निकला है। लखनऊ की चिकनकारी लखनऊ के एक गांव से निकला है। अमरोहा का ढोलक ये गांव के गांव से निकला है। पीलीभीत की बांसुरी गांव से निकली है। यानी ये जितने भी उत्पाद हैं ये गांव से निकली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे मजबूत ही है। आप चले जाइए संत कबीर नगर में, बखिरा बर्तन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, आज भी वहां बनाते हैं। ग्रामीण व्यवस्था है, गांव में रह करके लोग कार्य करते थे। क्या यह हमारी पंचायतों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने लोकल उत्पाद को प्रमोट करें? इसके लिए कहीं पे कोई कॉमन सर्विस सेंटर इसके लिए उपलब्ध करवा दें, इसके लिए कोई शोरूम दें, इसकी डिजाइनिंग के लिए, इसकी मार्केटिंग के लिए इसको करें। हमारे पर्व त्यौहार आते हैं, हम बड़े बड़े गिफ्ट लेने के लिए बाजार में जाते हैं, हम प्रयास नहीं करें कि हमारे जिले में जो चीज बन रही है हम उसी को गिफ्ट के रूप में दें। अगर आप किसी के पास जाते हैं और बखिरा संत कबीर नगर जनपद से हैं और बखिरा में बने हुए बर्तन, कांसे का बर्तन कितना अच्छा वहां बनता है, वही दें कि यहां का बर्तन है। भदोही के हैं, भदोही की कालीन कितनी अच्छी कारीगरी है, वही दें। महत्व तो इस बात का नहीं होता कितना महंगा उपहार है और कितना बड़ा है, महत्व तो यह है कि हमारे कारीगरों की मेहनत और उसकी हुनर कितनी बेहतरीन तरीके से वहां पर आई है और हम कितना उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरी पंचायतों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नया कदम है। और यह कार्यक्रम उसी के साथ जुड़ा हुआ है, यह रोजगार की संभावनाओं को ही बढ़ाएगा, यह विकास के नए आयाम प्रस्तुत करेगा, यह लोगों के मन में आपकी
व्यवस्था के प्रति भी एक नया विश्वास जागृत करेगा और इस व्यवस्था को जागृत करने की दिशा में मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है। आज एक बार पहली बार मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर जिला पंचायत के द्वारा हॉट मिक्स प्लांट से किए जाने वाले कार्यों का हम एक साथ यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी कितने बड़े पैमाने पर ये कार्य होने जा रहे हैं। 2000 किलोमीटर की सड़कें प्रदेश के अंदर बनेंगी, 1800 से ज्यादा मार्ग इससे जुड़ेंगे और एक व्यापक राशि भी खर्च तो हो रही है लेकिन रोजगार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम इसकी कीमत पहले नहीं समझ पाते थे लेकिन जब कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने रोजगार के महत्व को देखा, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक प्रदेश में आए, हमने उनको एक बार राशन किट उपलब्ध करवाया लेकिन वे चूंकि मेहनत कश थे उन्होंने कहा हमें कार्य चाहिए और मनरेगा के माध्यम से विभिन्न अन्य योजनाओं के माध्यम से जब कार्य प्रारंभ हुआ हर एक व्यक्ति खुशहाल है, कुछ ना कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है, अपनी हुनर और अपनी पूरी प्रतिभा का लाभ गांव को दे रहा है, पंचायतों को दे रहा है और यही मैं अपेक्षा करूंगा कि जो कार्य आज यहां पर पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से यहां पर जिला पंचायतों के माध्यम से हुआ है, मैं सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को उन्होंने इस कार्य के साथ अपनी सहमति जोड़ी और आज एक साथ हम लोग इस योजना के माध्यम से 1825 मार्गों के नवनिर्माण में लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्य आज यहां पर आपके माध्यम से हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य जब टिकाऊ होगा तो उस कार्य की टिकाऊ के साथ आपकी पहचान भी बनेगी, लोग आपके कार्य को अप्रिशिएट करेंगे, आपके जिला पंचायत सदस्य को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, पंचायती राज व्यवस्था को भी। ऐसे ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों का है, आपने देखा होगा जब शुरुआत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ नहीं हो पाई थी और जब प्रारंभ हुई थी तो इसकी गुणवत्ता पे प्रश्न उठे थे, तब भारत सरकार ने फिर 5 वर्षों तक इसके अनुरक्षण का दायित्व दिया था, उसके बाद व्यापक पैमाने पर जो कनेक्टिविटी का कार्य हुआ लोगों ने इसको बहुत हाथों हाथ लिया, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान दी है, यानी रोजगार भी है और अर्थव्यवस्था भी है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और मैं तो चाहूंगा हमारे ज्यादातर जनप्रतिनिधि आज के इस कार्यक्रम में है, मैंने आज ही मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से इस बारे में कहा है कि हम देश की जीडीपी की बात करते हैं, प्रदेश की करते हैं लेकिन जो हमारा आधार है पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का, जनपदों का, इनकी जीडीपी की चर्चा क्यों नहीं करते? आखिर इनके पास इनके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़ने का कार्य ही वहां की जीडीपी का आधार बन सकता है और बन सकता है। आप गांव को स्वच्छ रखिए, गांव के तालाबों को अगर वह मंदिर किसी धर्मस्थल से जुड़ा हुआ नहीं है उसका कॉमर्शियल उपयोग करना सीखिए, उसमें गांव का गंदा पानी, गांव का ड्रेनेज और सीवर गिराना बंद करिए, आप देखेंगे गांव की आधी बीमारी दूर होगी, गांव के पास पैसा आएगा तो गांव का पैसा गांव के विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के साथ जुड़ करके गांव के रोजगार को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। मैं कल देख रहा था प्रदेश के अंदर एक जनपद ने गांव के तालाब में मोती को उगाने का काम किया, एक नया प्रयोग है, ये प्रदेश के अंदर ही हुआ है, एक जनपद में संभवतः फतेहपुर में हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी जगह आप सिंगाड़ा उत्पादन का कार्य कर सकते हैं, गांव में चार चार पांच पांच तालाब है, कर सकते हैं, कहीं मछली उत्पादन का काम आप कर सकते हैं। ये कार्य अगर धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं और हम इसका कॉमर्शियल उपयोग विशुद्ध सात्विक भाव के साथ लोगों के रोजगार के साथ ध्यान में रखकर के ईमानदारी से आगे बढ़ाते हैं, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है।
अंततः पंचायत के पास आने वाला पैसा ये विकास की दिशा आगे बढ़ सकता है। मैं देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत की लैंड पर, जिला पंचायतों की लैंड पर कोई भी कब्जा कर लेता है। अगर हम इसका कॉमर्शियल उपयोग करना प्रारंभ करें, क्षेत्र पंचायत जहां भी बने हैं उनके पास विस्तृत भूभाग है, वहां पर उनके द्वारा भी दुकानें बनाई जा सकती हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते समय आप लोग इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि वहां कैंटीन भी आप अच्छी बनाइए। गांव का व्यक्ति आता है अपने कार्य के लिए क्षेत्र पंचायत में या जिला पंचायत में, वहां पर अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, जो भी उत्पाद वहां की है उसके लिए भी एक शोरूम दीजिए, उसको भी डिस्प्ले करिए, कैंटीन बनाइए, उस विकास खंड की या उस जिला जनपद की क्या उसका अच्छा भोजन है उसको रखेंगे, जो भी आएगा प्रभावित होगा। इसके अलावा वहां पर दुकानें बनाकर आप देंगे और कॉमर्शियल दृष्टि इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के पास भी एक पैसा आता हुआ दिखाई देगा। इस पैसे का फिर व्यवस्थित कैसे इसका उपयोग किया जाना है, विकास के लिए करिए। पैसा पैसे को बनाएगा, ये सोच हमें विकसित करनी पड़ेगी। देखिए, एक समय के बाद जब शासन पैसा देना बंद करेगा तब आप हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे न रहें, बल्कि आपके पास पैसा है और वह ग्राम पंचायत जो जिसका सरपंच मुझसे इस बात को कहता कि हमें शासन के पैसे की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारे पास स्वयं हमारी पंचायत के पास इतनी इनकम है कि हम अपनी पूरी गांव पंचायत की आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी ग्राम पंचायत से स्वयं करते हैं, ऐसा ही ग्राम पंचायत, ऐसा ही क्षेत्र पंचायत, ऐसा ही जिला पंचायत पूरे प्रदेश के अंदर बनने की व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और मैं चाहूंगा इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। दूसरा, कार्य जो भी हो उन कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वह पीएमजीएसवाई की सड़कों के रिन्यूअल कार्यों का शुभारंभ का हो, चाहे वह जिला पंचायत के द्वारा 1825 मार्गों की जो नव निर्माण से संबंधित कार्यों के शिलान्यास के बाद अब इन कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का हो, कार्य की क्वालिटी पर हम जरूर ध्यान दें। अगर हम इसको ध्यान में देंगे तो आपको एक पहचान दिलाएगा, जिला पंचायत के जो भी हमारे अध्यक्षगण हैं, सदस्यगण हैं, हमारे प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं, जो माननीय विधायकगण और सांसदगण हैं, मैं इन सबसे भी कहूंगा कि एक टीम भाव के साथ कौन कार्य पंचायत को करना है, कौन क्षेत्र पंचायत को, कौन जिला पंचायत को, कौन विधायक और सांसद निधि से, यद्यपि सांसद और विधायक निधि इस समय सस्पेंड है, कोविड में सारा पैसा इस समय लग रहा है, कोविड मैनेजमेंट में अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जब भी बहाल होती है हमारा एक समन्वय होना चाहिए, जिस भी निधि का पैसा जाए हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि इस पैसे को कैसे हम कहां बेहतर उपयोग कर सकें कि अधिक से अधिक संतृप्तता का लेवल व्यापक पैमाने पर हो और सबके पास हो, विकास सब तक पहुंचना चाहिए। जब विकास सबके लिए है तो उन सब तक पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा भी हमें इन सभी संस्थाओं को आपसी समन्वय के माध्यम से करना चाहिए। मैं एक बार फिर से यहां पर आज पंचायती राज विभाग को, ग्राम्य विकास विभाग को, विभाग के मंत्रियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर जिला पंचायत के अध्यक्षों ने सहमति देकर के एक साथ 750 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के शिलान्यास की दिशा से आज उन्होंने अपनी सहमति देकर के आज इस कार्यक्रम को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगले 1.5-2 महीने के दौरान इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने और उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने का भी कार्य करेंगे तो उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।